इस केशव के तो चार बच्चे हैं, इसे यहाँ पर रहने की क्या जरूरत? भगवान जाने क्या चाहता है ये। तो ये उन सब से दूर हो गए, इनका बाप ही सही नहीं है तो बेटे कैसे सही रहेंगे। हो गया, हमारे बारे में कौन कहेगा? क्यों बड़े भाई, किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो? ये फूड इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिख रहा हूं। एक समय की रोटी खाने के लिए तेरी औकात नहीं है और तू फूड इंस्पेक्टर बनने की सोच रहा है? ये फूड के लिए भी इंस्पेक्टर होता है क्या? अरे हाँ, ज्यादा खाएंगे तो फूड इंस्पेक्टर आकर पकड़ लेंगे। अरे ये फूड एजेंट तो यही है। अरे भाई, ये फूड एप्लीकेशन भेजना कब बंद करोगे? बॉस भाई, ये मेरा आखिरी एप्लीकेशन है। अरे ये बेचारा, अगर ये काम नहीं मिला तो जहर पी लोगे? जहर क्यों पीऊं, दूसरा लिखूंगा। ये भी ना, इतनी दुर्गंध है यहाँ पर, आदत पड़ गई है। अरे ए भाई, तुझे कितनी बार समझाया मैंने, ये कीड़े मारने वाली दवा को यहाँ पर खुला मत रखना, सहन नहीं कर पा रहे। क्या कहा, ये सिर्फ आपका घर तो नहीं है, मैं भी रोज आपके जैसे 10-20 रुपए देकर यहाँ भाड़े पर हूँ, ये खुशबू सहना पड़ेगा। इसलिए तो हम सब तुम्हें कीड़े मार करके पुकारते हैं, यहाँ से तुम निकल जाओ भाई। अरे तुम आटे में दवाई डालोगे तो वो नारियल बन जाएगा, कहा था ना। दवा बदल गया, दारू में मिलाने वाली दवा मैंने आटे में मिला दी। सुनो, भाड़ा मांगने के लिए मालिक ने एक आदमी को भेजा है। 5-6 गाड़ियों का टायर पंचर होने दो, बस सबका भाड़ा मैं चुका दूंगा, उससे पहले वो तुम लोगों को यहाँ से मारकर भगा देगा। इसलिए किसलिए किसलिए 1000 सवालों के सारे जवाब आपको सिर्फ इस किताब में मिलेंगे, सिर्फ इस किताब में मिलेंगे। वो हीरोइन उसके साथ क्यों भागी? येसुदास ने दाढ़ी क्यों बनाई? राजकुमार ने दाढ़ी क्यों रखी? देश से भागा हुआ विजय माल्या कब वापस आएगा? तुम अभी तक क्यों नहीं सुधरे, मुझे आज आकर पता चल गया। ये बस में जाकर ये बेचेगा, उसी का रिहर्सल कर रहे हैं। हाँ वो तो मैं समझ गया, तुम यहाँ पर इस बुक को क्यों बेच रहे हो? इस बुक को किसी ने नहीं लिया, इसलिए। इसका बुक किसी ने नहीं खरीदा, आप समझ में आ गया मुझे, ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। एक बात मैं तुम सबको बता दे रहा हूँ, कल तक अगर किसी ने भी भाड़ा नहीं दिया तो मैं अपना रूप बदल दूंगा, घर का मालिक मेरे गर्दन पे चाकू रखेगा, वो तुम देख पाओगे। भैया वो चाय वाले का बेटा है ना, मैथ्स में पहला नंबर लाया और आपको बताना चाहता है। वो आदमी मुझे क्या बताना चाहता है? आपने बहुत दिनों से चाय का पैसा नहीं चुकाया ना, उसने अपने बेटे को मैथ्स सिखा दिया। वो थोड़ी हमें खाना खिलाता है, कल तक अगर पैसे नहीं दिए तो वो कल से चाय पिलाना भी बंद कर देगा। हे भगवान, चाय का उधार है, घर के भाड़े का उधार है, ब्रदर तेजी लाओ, पीते चलो। समझ गए, अब करो। पैसा दे दो, पैसा दे दो। अभी दूसरी राग में गाएंगे। शाबाश, अब तीसरी राग में गाओ। पैसा दे दो। अरे तुम्हारा तामा ठीक नहीं है, चलो उठो। अरे तुम सुर में गाओ, नहीं तो गा नहीं पाओगे, समझे? उसे छोड़ो, इसे उठने के लिए बोलो। तू बैठ, तू उठ। सापा। अरे बाप रे, तुम ही सुकाओ। सारेगा क्या कहती तेरी अम्मा? उतना खास नहीं, तुमने माँ कहा ना, सही नहीं है। गर्दन तक पानी में सड़ना पड़ेगा तब होगा। सुनिए जी, सड़ना नहीं, साधना साधना। हाँ हाँ वही वही, कल क्या करना है ये सबको अच्छे से पता है। मुस्तफा प्रेजेंट, स्टैंड अप। ये चलो, कल तुम बस में कार्डियोलॉजिस्ट हो। इसका मतलब क्या है? अरे बस में जो कार्ड देते हैं उसको देखा नहीं क्या, उसे ही कहते हैं, समझे? कार्डियो। क्या बोला? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, तुम क्यों घूर रहे हो, सुनकर सब सीख लो, बैठो तुम। अगर हम इसे ट्रेन में गाना गवाए तो? तुम उठो। बेटा तुम कौन सा गाना गा सकते हो? देखो मीठी मीठी मुस्की मारे ताड़ा, टुक टुक कहे ऐसे निहारे ताड़ा। अच्छा, ये गाना भोजपुरी का है, पटना में सब सुनेंगे, मेरी बात लिख लो। भोजपुरी कैसे गाए? ये कौन सी बड़ी बात है, मीठी मीठी मुस्की मारा ताड़ा टुक टुक कहे, पिया मेरे राजा घर आजा गमा पा तोड़ेगी। यही दिमाग बम्बई में इस्तेमाल किया होता तो हाँ, तो पुलिस पकड़ लेगी। अब हे भगवान, ये आदमी भी ना बेवकूफ, अब तक दिमाग है नहीं, करोड़पति में जा चुके होते। मुझ में दिमाग नहीं है ये कहना चाहती हो? तुम्हें बुद्धि नहीं है तो सबको पता है ना बच्चों। तुम सच कह रही हो, सच कह रही हो, सच कह रही हो। बच्चे नहीं तो देख लेता तुम्हें, बच्चों की वजह से छोटा हूँ तुम्हें, समझी? तो तुम क्या कर लोगे? मार डालूंगा। खबरदार, मुझे हाथ लगाया तो समझ गए ना? मारूंगी। मेरे हाथ में क्या है देख रहे हो ना, जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? मेरे चाकू दे दो प्लीज। अब देखो क्या करती हूँ तुम्हारे साथ, देखो देखो तुम्हें। अरे वो देखो कहाँ जा रहा है। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, जाओ, रुको, 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 रुको,
तुम कहाँ जा रहे थे? मैं अपने रास्ते जाऊंगा। अपने रास्ते? तुम्हें हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी पसंद का काम करना, ठीक है? मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। मैं धोखा नहीं दूंगा। आप इसे डराइए मत, बच्चों को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम बस हमारा साथ दो। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है पता है? अरे कबूतर के जैसा मुलायम है इसका दिल। ये तो एक नंबर का पागल है, तुम्हें तो पता है ना। सी कॉन्फिडेंस। सॉरी, मान गए ना? समझ गए ना? चलो कल मैं तुम्हें स्पेशल ड्यूटी दूंगा, अभी तुम जाकर सो जाओ। मेरा बच्चा तो बहुत दिमाग वाला है, देखो कैसा कमाल करता है वो, देख लेना। रुक जाओ, सावधानी से रहो, पुलिस के हाथ कोई नहीं लगना। और अगर लग गए तो? जरा सुनो तो सही जो कह रहा हूँ ढंग से। सुनो, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आएगा, इस बात को अच्छे से समझ। सारे कॉस्टली आइटम्स ले लेना, समझ गए? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बोलने दो, मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। पर ये बांध लेना, बीड़ी का टुकड़ा रखा, तुम वहाँ से उठा लेना। तुम खुशी खुशी जाओ बेटा, कोई चिंता मत करो, बस जाओ जाओ। तुम? मैं होटल जा रहा हूँ। होटल में खाना टाइम पर खा लेना, समझे? ठीक है। कलेक्शन बराबर आना चाहिए। जाओ, पैर घसीट घसीट के जाओ, जल्दी जाओ। हाँ तुम? मार्केट जा रहा हूँ। हाँ, चोरी करना है, समझे? हाँ, किसी को मालूम ना हो तुम चोर हो। ओके, ओल्ड बस स्टैंड जाओ, जाओ जाओ। अरे पिंटू कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, लेड और कैंची है ना? हाँ है। ठीक से काम करना बेटा, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आप कुछ मत बोलिए, बेटे को प्यार से लेके चलते हैं। आप कुछ मत बोलिए, बेटे को प्यार से लेके चलते हैं। ऐसे क्या घूर रहा है, अपने आप को कलेक्टर का बेटा समझता है? आप भी कैसे बात करते हैं। चलो बेटा, प्यार से बात करो मेरे बच्चे से। क्या कह रही हो? मेरा बेटा कमाल करेगा। चलो बेटा वहाँ चलते हैं, चलो हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा। चलो। अरे चश्मा तो पहन लो। अरे कॉस्टली है, रिच है। आइए सर। आइए मैडम, प्लीज। हेलो, बताइए सर आपको क्या चाहिए? शो मी द चेन लेटेस्ट। हमें 10 तोले का नए फैशन का चेन दिखाइए, सही कहा ना? या 10 pounds। हाँ सर। ओके सर। नजर रखना। इज इट इंडियन ज्वेलरी? या। वेरी बैड। आपको पसंद नहीं आया? अरे वाह, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओह, नाइस टू मीट यू। ये कैसा लग रहा है? नो, दिस इज नॉट, दैट इज। सुनिए जी। नहीं, ये है जी। यहाँ मैं इसी हार को परचेज करूंगा। कमीनी 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 बोला था, तेरा कांट काट कर रख दूंगी। ये शॉप है, रिमेम्बर मी। आओ, नाइस। किसके लिए चाहिए सर? ये मैं अपनी सिस्टर के लिए ऐसा हार परचेज करना चाहता हूँ। इट्स इनफ। हाउ मच ग्राम वेट? 79 ग्राम है। अरे ये तो 10 तोला भी नहीं है। नॉट बैड, लाइक बैड। ठीक है, ये अच्छा है। दैट्स इनफ। ओके, प्लीज काउंट इमीडिएटली बिकॉज़ आई एम वेरी बिजी मैन। हाँ ये ठीक है। ₹7,500। Oh, can I give you a check? नहीं सर, चेक लेने के लिए मालिक नहीं है। या, ये हार अलग से रख दो, आधा घंटे में लेकर जाएंगे। ओके। एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग। एनी डाउट? नो सर। ओके। हाय ब्यूटी। मुझे हाथ लगाया? तुमने मेरी पत्नी को हाथ लगाया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं। क्या हुआ लेकिन? मेरे पति को मत मारो, मैं जिंदा नहीं छूटूंगा। अरे अरे, आप उसे मार क्यों रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं जी, आप इसे बोलिए ना, मेरे पति को मार रहे हैं। ये लोग चोर हैं, सोना खरीदने का नाटक करके सोने का हार चोरी कर लिया। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले ही कहा था, इसे अपने को फंसा देगा। मैं जब बोलती हूँ मेरी बात सुनता ही नहीं है। ये शरीफ आदमी लग रहा है। अरे कभी इधर रोक, क्या कर रहे हैं इसके साथ?
मेरे पास कोई नहीं है ना, मैं तो बहुत उड़ा दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास चाकू है, सबको काट डालूंगा, सबको काट डालूंगा, दूर हट, दूर हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा, हट जा, हट जा, अरे रुक, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पीछे दूर हट जाओ, ये बॉम्ब नहीं, ये सच में एप्पल ही है। अरे हम हमें जीने नहीं देगा, अभी इसका क्या कर सकती है एप्पल से, मैं क्या करूं अब, मारो मारो मारो, अरे ये मारो इसे, मारो इसे, मारो मारो।